नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की सब्ज़ी। इसके लिए हम कटहल और आलू दोनों को पहले फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्राई करेंगे कटहल को। नमक और हल्दी भी डालते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। बचे हुए तेल में आलू को भी फ्राई कर लेंगे। इसमें भी नमक हल्दी डाल देंगे। वो ढक देते ताकि जल्दी पक जाए। अब हमने बचे हुए तेल में थोड़ा सा घी डाल दिया है और अब हम इसमें थोड़े से गरम मसाले डालेंगे। इसमें से यह है तेजपात, इलायची और कुछ लौंग है और एक दालचीनी का टुकड़ा है। कटहल को एकदम नॉनवेज की तरह ही बनाया जाता है, इसीलिए प्रिपरेशन भी थोड़ी बहुत उससे ही मिलती जुलती होगी। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब आपका प्याज भून रहा है। प्याज जब तक भून रहा है हम इसका मसाला भी तैयार कर लेते हैं। जब तक कि हमारा प्याज भून रहा है हम सूखे मसालों को तैयार कर लेते हैं। इसमें है आपका नमक, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और हमने इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची इनका पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को ही हम यूज़ करेंगे। कटहल और आलू को हमने फ्राई कर लिया है और यहाँ हमारा प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने कुछ सूखे भात को भी आपके सब्जी के स्वाद को भी बढ़ा दिया। चीनी को हमने तेल में ही डालना है तभी अच्छा कलर आएगा। और तभी आपने लाल मिर्च को भी डालना है। और हम यहाँ पे घी भी यूज़ कर रहे हैं और हल्दी बचा हुआ हम डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे। रहेंगे
मसाला हमारा तेल छोड़ रखा है, तो बचा हुआ जो मसाला है उसको इसमें हम डाल देंगे। तो हमारा मसाला तेल छोड़ रहा है, तो बनाते रहेंगे। अब हमने जो आलू और कटहल जो रखे थे फ्राई करके, इन्हें हम इसमें डाल देंगे, इनको भी इनके साथ अच्छे से मिला देंगे। आलू और कटहल अच्छे से भून चुके हैं मसालों के साथ। अब हम, क्योंकि कटहल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है और हमने इसको बॉईल भी नहीं किया था पहले, इसलिए हम इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ा सा इसको गर्म पानी मिलाएंगे इसमें। ओके, इसमें ये बनती हुई सब्ज़ी में जब हम कोई पानी डालते हैं तो हमें वो गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे सब्ज़ी अच्छी बनती है और टेक्सचर कलर सब बहुत अच्छा आता है। ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, आपको दिख रहा होगा ज़्यादा पानी हमने इसमें नहीं डाला है, हम उतना ही देंगे जितने में कि ये कटहल पक जाए। आलू को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा लेकिन कटहल को थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये सब्ज़ी थोड़ी सी लगी लगी से बनेगी, एकदम ग्रेवी वाली नहीं बनेगी। और कटहल आलू की सब्ज़ी एकदम तैयार है। थोड़ा सा इसमें हम लोग हम डालेंगे गरम मसाला, और इसको सर्व कर देंगे। आलू कटहल की सब्ज़ी तैयार है, इसको हम रोटी पराठा या चावल किसी के साथ भी खाएं और इन्जॉय करें। धन्यवाद। मेरे चैनल को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।